वेलकम टू जीज एकर्स किचन व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपने किचन में रेसिपी शुरू करने लगी हूँ। बैंगन का भरता, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग बैंगन का भरता। इसके लिए बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज चाहिए। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने लिया है बैंगन। बैंगन का वेट है 300 ग्राम। इसको लगा देंगे हम लोग ऑयल। ऑयल लगाने से क्या होगी, जब इसकी स्किन जल जाएगी तो इसको रिमूव करने में हमें आसानी होगी। ऑयल लगाने लगी हो, आपको जिस तरह इजी फील हो आप उस तरह कर सकते हैं। उंगली से लगाएं, ब्रश से लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू। और ऑयल लगाने के बाद हम रख देंगे इसको चूल्हे पे रोस्ट होने के लिए। अगर आपके पास कोयले अवेलेबल है तो कोनों के अंदर रख के भी इसकी स्किन को जला के रिमूव कर सकते हैं। स्किन को रिमूव कर दिया और इसको मैंने चॉप कर लिया बैंगन को। और यहाँ पर दही लिया मैंने 400 ग्राम। बैंगन को इस तरह कट कर लिया और यहाँ पे लाल मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज है। दही को लैम्स फ्री कर दिया और इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ दही के अंदर बैंगन। बैंगन को ऐड करके हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च 2 से 3 अदरक। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी शेप में काट के इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे प्याज। प्याज थे ये 2 मीडियम साइज़ के, बल्कि स्मॉल साइज़ के थे। और इसकी मैंने जैसे कि आमलेट के लिए कटिंग करते हैं उस तरह की कटिंग कर दी। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शेप पसंद है। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ्रेश बनता है ये वाला बैंगन का भरता। और यकीन जाने जब आप खाएंगे ना आपके दिल को सुकून मिलेगा। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें जलन महसूस होती है खाना खाने के बाद, या हम लोग कोई चीज़ खा लेते तो एसिडिटी हो जाती है, तो इससे खाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर नमक जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, लेकिन इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, बस हल्की सी इसमें खटास हो, मीठी ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा मज़े का बनेगा ये। इसको आप गरम गरम रोटी नान के साथ खा सकते हैं, किसी के सालन के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, पकोड़े और इसके साथ समोसे, फ्राइज चीज़ों के साथ जिसके साथ भी खाएंगे तो इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी झटपट सी हो गई है तैयार। अब आपको मैं बताती हूँ फाइनल में इसको क्या करेंगे, लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने से क्या होगा, इसका मज़ा हो जाएगा दुबाला। और आप यकीन करें जब आप खाएंगे तो वाकई आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्रेश आपको टेस्ट आएगा इसका। और आप रोज़ाना बना के इसको खाएंगे, आप विदाउट किसी चीज़, यानी कि रोटी, पकोड़े, चपातियाँ, इसके बगैर भी इसको एज इट इज़ खा सकते हैं। स्प्रिंकल किया इसके अंदर मैंने हरा धनिया। धनिया आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर डाला है पुदीना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसके अंदर लगने लगा है तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने क्या किया है कि हम लोग ये देख रहे हैं इसको, क्या ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आई है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे तड़के का, जो इसको टच देना। ये एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है कुकिंग ऑयल। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लेके कर कराया है और इसके अंदर ऐड करके मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तड़का लगाने से ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी हो गई है डन। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसी होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।